फ्रेंड्स, ये रहा आज का स्पेशल डिनर। ये है बटर नान, फ्रूट सैलड, और ये है चिकन दो प्याज़ा, खीर और जलेबी राबड़ी। तो आज का डिनर प्रिपरेशन कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइए। और हाँ, स्पेशल आज है हमारा एनिवर्सरी है, आज मैरिज एनिवर्सरी, 11th मैरिज एनिवर्सरी है, तो इसीलिए मैं इतना सारा बनाया है और मुझे कुछ नहीं मिला है। लॉकडाउन है इसीलिए मुझे कुछ नहीं मिला है। ठीक है, कोई बात नहीं, बाद में ले लेंगे। और हाँ, इसका रेसिपी ना चिकन दो प्याज़ा का रेसिपी मैं नहीं दी हूँ, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और नान का भी रेसिपी नहीं दी हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था, इसीलिए मैं नहीं दी, बाद में कभी इसका भी ज़रूर शेयर कर दूँगी। तो चलिए आज का डिनर शुरू करते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल निवेदिता फैमिली। कैसे हैं आप सब, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर मेरा चैनल ने आप मतलब देख रहे लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, मैं अपने ब्लॉग में ना रेसिपीज ज़्यादातर लेके आती हूँ, और आप प्लीज़ फर्स्ट से लास्ट तक ज़रूर देखें और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, आज एक बहुत स्पेशल दिन है जो मैं इतना सारा रेसिपी बनाने वाली हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। अभी लंच मैं बनाऊँगी, सिंपल सा लंच बनेगा, हेल्दी और सिंपल है, एक चाइनीज राइस में बनाने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, आज और चलिए शुरू कर देते हैं आज का ब्लॉग। फ्रेंड्स, वेजिटेबल्स में हम यहाँ पे गाजर और जो बीन्स है फ्रेंच बीन्स, उसको छोटे छोटे टुकड़े में काट लिए हैं। और ये स्प्रिंग अनियन है, वाइट वाला पोर्शन हम लिए हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा हम नॉर्मल ऑनियन भी लिए हैं। और ये ग्रीन ऑनियन है, इसको हम ऊपर से जब एंड में इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा सा लहसुन है, और ये थोड़ा सा एंड में हम इस्तेमाल करेंगे धनिया का पत्ता। और डार्क सोया सॉस एक छोटा चम्मच लेंगे। और यहाँ पे लिए हैं बॉइल्ड राइस, पहले ही हम राइस को कुक कर लिए हैं और इसी को हम इस्तेमाल करेंगे। और हाँ, स्वाद के हिसाब से और नमक जाएगा, तेल भी जाएगा एज यूजल। तो चलिए शुरू कर देते हैं। और यहाँ पे हम लिए हैं लोहे का कढ़ाई, जिसको कि हम गर्म हो जाने देते हैं। लोहे का कढ़ाई इसमें मतलब चिपकेगा नहीं, तो हम इसी को ही इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें हम गर्म हो जाने देंगे तेल को। यहाँ पे देखिए, तेल थोड़ा हम ज़्यादा लिए हैं, 3 स्पून के करीब लिए हैं। तो चलिए इसको हम गर्म हो जाने देते हैं। Thank you.
तो फ्रेंड्स ये देखिए सुपर टेस्टी फ्राइड राइस बनके तैयार है। वो वन बोल मिल है, इसके साथ आपको कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके साथ मैं बैंगन दही बैंगन बनाऊंगी, तो वो शेयर नहीं करने वाली हूँ, सिंपल सा ही तो बनता है। तो बस कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और हाँ ज़रूर बनाइए आप। तो फ्रेंड्स फ्राइड राइस तो बन गया, तो चलिए खीर बनाएंगे। और खीर बनाएंगे हम एक स्पेशल टच देंगे, मतलब ये है खीर वाला चावल जो गोविंद भोग चावल बोलते हैं ना, वो चावल है। ये बहुत अच्छा खुशबू देता है, मुट्ठी लिए हैं, एकदम मुट्ठी जितना लिए हैं, बहुत ज्यादा नहीं। और यहां पे पनीर लिए हैं, एक मुट्ठी जितना हम चावल लिए हैं यहाँ पे, उसको धो के भिगो दिए हैं थोड़ा सा। 100 ग्राम के पनीर को हम ग्रेट कर लिए हैं। और ये है कंडेंस मिल्क, इसमें हम सारे इस्तेमाल नहीं करेंगे, आधा इस्तेमाल करेंगे। ये मैं घर पे ही बनाई हूँ, ये मिल्क मेड होता है ना जो मिठाई मेड बोलते हैं, वही है। और 2 इलायची लिए हैं, थोड़े से काजू, और ये 300 ग्राम के करीब है दूध। तो चलिए शुरू कर देते हैं बनाना। और 1 स्पून हम घी लेंगे, देसी घी। तो चलिए शुरू कर देते हैं। और हम चीनी नहीं लिए हैं क्योंकि ये मीठा है, और हम देख के चीनी इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये मीठा है। हमको लगता है इतना मीठा में हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो हम इसी कटोरे में आधा कटोरा चीनी का इस्तेमाल करेंगे।
तो फ्रेंड्स हम जलेबी बना रहे हैं, ये मैदा लिए हैं इसी कप से ना, 2 कप हम नाप के लिए हैं मेजरमेंट के हिसाब से। ये 4 बड़े चम्मच दही है, ठीक है, ये दही हम इसमें डालेंगे। और ये रहा खाने का सोडा, ये खाने का सोडा यहाँ पे हम चुटकी भर डालेंगे 1 छोटा चम्मच। तो इसको फिर मिक्स करेंगे। और यहाँ पे हम ले रहे हैं थोड़ा ऑरेंज फूड कलर, आप येलो भी ले सकते हैं। और यहाँ पे हम, मेरे पास नहीं है तो यहाँ पे ले रहे हैं हम ये वाला तेल का पॉलीथीन, जिसको हम धो लिए हैं अच्छे से और ऊपर का हिस्सा हम काट दिए हैं, इसी में हम छेद करके जलेबी बनाएंगे इसको बांध के। तो चलिए इसको पहले हम बैटर बना देते हैं, और ये इंस्टेंट है, 1/2 घंटे के अंदर ही हम बनाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मिक्स करेंगे, बहुत ज़्यादा पानी एक्सेप्ट नहीं डालेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हमारा बैटर बनके तैयार हो गया है, और देखिए ऐसा कंसिस्टेंस होना चाहिए, जैसे तार टूटना नहीं चाहिए, ये देखिए बस ये हो गया है। अभी हम इसमें फूड कलर डाल देते हैं, 1 चुटकी हम लिए हैं फूड कलर। फ्रेंड्स यहाँ पे हम जलेबी जो बनाएंगे ना, लो फ्लेम पे बनाएंगे। पहले हम तेल को गरम हो जाने देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, मीडियम गरम रखेंगे तेल को और जलेबी बनाएंगे। तो ये रहा हमारा जलेबी बनके तैयार हो गया है, देखिए। फ्रेंड्स वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिए, और हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून एंड लॉट्स ऑफ लव।